आज का पूरा मेकअप ट्यूटोरियल हिंदी में होने वाला है बिकॉज मेरे को रिक्वेस्ट आए थे टू मेक अ वीडियो इन हिंदी तो मैंने पूरा वीडियो हिंदी में बनाया है तो मेक श्योर sure आप वीडियो को एंड तक देखें Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine and टुडे वी विल बी क्रिएटिंग द वैलेंटाइंस मेकअप लुक तो मैंने इस वीडियो में दो लुक क्रिएट किए हैं कीपिंग इन माइंड द एंटायर डे ऑफ वैलेंटाइंस कि आप वैलेंटाइंस में सुबह से आप बाहर जाओ रात तक आप इंजॉय करो आई होप आपका वैलेंटाइन बढ़िया सा निकले आप ये पूरा वीडियो देखो तो मैंने एक बहुत ही सिंपल डे लुक क्रिएट किया है इस वीडियो में आगे और उसके बाद सिर्फ तीन बेसिक प्रोडक्ट्स की मदद से मैंने वो सिंपल सा डे लुक कन्वर्ट किया है ग्लैम नाइट लुक में जो कि बहुत प्रिटी लग रहा है और आज मैंने फर्स्ट टाइम लेंजेज यूज़ किए हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया तो इस वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और अगर आगर आगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, नहीं किया है तो प्लीज हिट द रेड सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड न्यू वीडियो नाउ विदाउट एनी फर्दर लेट्स जस्ट डाइव राइट इन द वीडियो अब हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम अपना स्किन प्रेप करेंगे उसके लिए मैं अपने फेस पर ऑलरेडी मॉइस्चराइजर लगा चुकी हूँ तो अब मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए एक लिप बाम यूज़ करूँगी मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का कैंडी मिल्स ये बहुत अच्छा लिप बाम है आई रियली रियली लाइक इट मतलब ये वन ऑफ माई फेवरेट्स है और इसका ये बेरी फीस्ट फ्लेवर ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है तो अब जब तक लिपस्टिक लगाने का टाइम आएगा तब तक मेरे लिप्स अच्छे से मॉइस्चराइज हो चुके होंगे तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप सबसे पहले मैं अपना बेस मेकअप करूँगी और उसके बाद मैं अपना आई मेकअप करूँगी ऑल्सो आज मेरे दो नेल्स टूट गए हैं सो डोंट माइंड इट एंड या नाउ लेट्स जस्ट बिगिन विद आर मेकअप सबसे पहले मैं प्राइमर यूज़ करूंगी और आज मैं प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर ये एक बहुत ही अच्छा पोर फिलिंग प्राइमर है इसका सिलिकॉन बेस्ड टेक्स्चर है तो आपके जहाँ जहाँ पे भी पोर्स हैं आप वहाँ पे इसे अच्छे से प्रेस करें ताकि ये आपके पोर्स में सेटल हो जाए और आपके मेकअप के बाहर आपके पोर्स विजिबल ना होंगे okay. तो अब मैं अपना बेस मेकअप स्टार्ट करूंगी उसके लिए सबसे पहले मैं फ़ाउंडेशन यूज़ करूँगी आज मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन इन द शेड 220 ट्वेंटी नेचुरल बेज और ये लैक में नाइन टू फाइव का प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट का वो फाउंडेशन इन द शेड W180 वन एटी वॉम नेचुरल ये सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं मैं ये दोनों फाउंडेशन इसलिए मिक्स कर रही हूँ बिकॉज ये मेरे लिए थोड़ा सा लाइट है और ये मेरा परफेक्ट स्किन मैच है बट ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो थोड़े टाइम के बाद ये मेरी स्किन पर डार्क हो जाता है मैं अब मैं एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अपने फेस पे ये फाउंडेशन को अच्छे से इवनली अप्लाई करूँगी मैं कहीं पे भी ज़्यादा या कहीं पे कम फाउंडेशन नहीं लगा रही हूँ एकदम इवनली मैंने फाउंडेशन अपने पूरे फेस पे स्प्रेड किया है और अब मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी आप जब भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रहे हैं आप उसे अच्छे से वाटर में सोक करें और एक्स्ट्रा वाटर निकाल दीजिए ताकि उसमें से कोई भी वाटर ड्रिप ना करे बट अच्छे से ये डाम्प हो ताकि आपका फाउंडेशन बहुत फ्लॉलेसली ब्लेंड करेगा और ये आपका प्रोडक्ट भी अब्जॉर्ब नहीं करेगा कंसीलर के लिए मैं हमेशा दो कंसीलर्स यूज़ करती हूँ एक जो कि मेरी एग्जैक्ट स्किन मैच का है जिससे कि मैं अपने डार्क स्पॉट्स या जितने भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज है वो हाइट करूंगी और दूसरा जो कि मेरी स्किन टोन से दो से तीन शेड लाइटर है जिससे कि मैं अपने फेस को हाईलाइट करूंगी और एक लिफ्ट प्रोवाइड करूंगी तो कंसीलिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मे का इंस्टेंट रिवाइंड इरेजर कंसीलर इन देड शेड 140 हनी जिस द टाइनियज बिट मैं एक छोटे फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको वहां वहां पे लगाऊंगी जहां जहां पे मुझे कंसीलिंग की नीड है थोड़ा सा मैं अपने अंडर आईज पे लगाऊंगी डार्क सर्कल्स मेरे नहीं है बट स्टिल जो भी थोड़ा बहुत है वो कवर हो जाएगा और मेरे फेस पे चीक एरिया पे थोड़ा एक्ने मार्क्स है तो मैं उससे स्पॉट कवर करूँगी अब मैं कंसीलर ब्लेंड करने के लिए एक कंसीलर ब्रश यूज़ करूँगी ये बहुत अच्छा ब्रश है मुझे बहुत पसंद है ये ब्रश यूज़ करना और मैं पहले ब्लेंडर यूज़ करती थी बट आई फील कंसीलर ब्लेंड करने के लिए यह ब्रश ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि आप इससे एकदम छोटे छोटे कॉर्नर्स पे भी अच्छे से अपना कंसीलर ब्लेंड कर पाते हो प्लस ब्रश यूज़ करने से आपको एक अच्छा कवरेज मिलता है तो आप अगर ब्रश यूज़ करके अपना कंसीलर या फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे हैं तो आप उसे ऐसे डाबिंग मोशंस में धीरे धीरे उस जगह पे ब्लेंड करें ड्रैग ना करें वरना आपके कंसीलर बेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रिकी लाइंस पड़ जाएंगी तो थोड़ा सा टाइम लेके धीरे धीरे उसे डाबिंग मोशंस में ब्लेंड करें और बहुत ही लाइट हैंडेडली अपने कंसीलर को ब्लेंडर से ब्लेंड करें ताकि जो भी स्ट्रिकीनेस आई है वो भी हट जाएगी और आपका कंसीलर अगर कहीं से क्रीजिंग हो रही होगी तो वो भी सेट हो जाएगा ठीक है अब मैं अपना सेकंड कंसीलर यूज़ करूँगी फॉर हाइलाइटिंग ये मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का सिक्सटीन आर कैमो कंसीलर मैट फिनिश में अब ये कंसीलर बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाता है तो अगर आप ये कंसीलर यूज़ करेंगे तो आप एक जगह पर लगाएँ उसे तुरंत ब्लेंड करें तब दूसरी जगह पे मूव करें वरना जब तक आप लास्ट जगह पहुंचोगे तब तक वो पहली जगह पे बिल्कुल ही ड्राई हो चुका होगा और फिर ये ब्लेंड भी नहीं होता है तो मैंने हल्का इसको पहले ब्रश से ब्लेंड किया है और अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगा तो आप देख सकते हैं एक डिफरेंस लाइटर कंसीलर यूज़ किया है इस साइड नहीं किया है तो काफ़ी एक डिफरेंस मिल जाता है तो अब मैं सेम अपने दूसरे अंडर आई पे भी करूँगी अब मैं अपने फेस को डायमेंशन देने के लिए कॉन्टोर ऐड करूँगी उसके लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइट का मेगा ग्लो कॉन्ट्रोलिंग पैलेट इन द शेड दुल से दिलीचे आई डोंट नो इफ दैट इज हाउ इट इज प्रिनाउंस तो ये शेड है बहुत ही कूल टोन्ड एक कॉन्ट्र का शेड है तो मैं यूज़ कर रही हूँ एक फ्लैट कॉन्ट्रिंग ब्रश इस पर मैं ये पाउडर ले लूँगी तो और अब मैं इसे पैक करूँगी अपनी चीक बोन्स पे हॉलो ऑफ द चीक बोन्स पे और अब देख रहे हैं एक अच्छा इसने कलर कॉन्ट्रोर का मुझे प्रोवाइड किया है अब मैं इसे धीरे धीरे ब्लेंड करूँगी अब मैं यही सेम अपने दूसरे साइड पे भी कर लूँगी थोड़ा सा कॉन्ट्रोरिंग जॉ लाइन पे थोड़ा सा फोरहेड पे मेरा फोरहेड बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है बट मैं सिर्फ अपने यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रोल कर लूँगी एंड द कॉन्ट्रोल इज़ डन अब मैं अप्लाई करूँगी ब्लश तो ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेटन वाइल का ब्लश इन द शेड मेलो वाइन बहुत ही ज़्यादा प्रिटी कलर है बहुत अच्छा इसका पिगमेंट है बहुत पिगमेंटेड ब्लश है मैं लाइटली अप्लाई करूँगी अपनी चीक बोन्स में ऊपर की तरफ मैं एप्पल ऑफ द चीक्स पे कम एक हल्का सा डैप दूंगी और ज्यादा प्रोडक्ट मैं ऊपर की तरफ कॉन्सेंट्रेट करूंगी ताकि मेरे फेस को एक लिफ्ट मिले एंड सिमिलरली ऑन दी अदर साइड अब इस पैलेट में ही जो ये दूसरा शेड है बनाना पाउडर ये हाइलाइटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बनाना पाउडर डस्की से डीप स्किन टोन्स पे अच्छा जाता है क्योंकि जो ट्रांसल्यूशन पाउडर होता है अगर आप उससे डस्की या डार्क स्किन टोन्स पे सेट कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा ग्रेश इफ़ेक्ट पड़ जाता है तो बनाना पाउडर उस चीज़ के लिए अच्छा रहता है और एक अच्छा आपको हाईलाइट देता है जहाँ पर कॉन्ट्रोर है उसके नीचे मैं थोड़ा सा बनाना पाउडर लगाऊंगी ताकि ये जो कॉन्टोर है ये अच्छा है, एक शार्प कट मिले इस कॉन्टोर को सिमिलरली इस साइड पे भी मैं हल्का सा बनाना पाउडर लगा लूँगी और अब मैं अपनी अंडर आइज को भी इसी बनाना पाउडर से सेट करूंगी ताकि एक हल्का हाईलाइट भी मिले और मेरा कंसीलर भी सेट हो जाए क्रीज ना कर. तो मैं बेसिकली ये पाउडर सिर्फ उन प्लेसेस पे लगा रही हूँ जहाँ पे अभी तक पाउडर नहीं लगा है जैसे जहाँ कॉन्टोर या ब्लश कर चुकी हूँ मैं वहाँ पे मैं पाउडर नहीं अप्लाई करूँगी तो अच्छे से मेरा बेस मेकअप हो गया है तो अब इस फेस मेकअप को सेट करने के लिए और ताकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा पाउडरी ना लगे मैं अपना ब्यूटी स्पंज लूँगी और एक सेटिंग स्प्रे लूँगी ये सेटिंग स्प्रे है डेली लाइफ फॉर एवर फिफ्टी टू प्रोफेशनल मिस्ट एंड फिक्स ओ टू मेकअप सेटिंग स्प्रे तो ये सेटिंग स्प्रे मैं अपने ब्लेंडर पे स्प्रे करूंगी मेकअप फिक्सर आप ना यूज करें इस स्टेप में यूजर सेटिंग स्प्रे इसको बहुत ही लाइट हैंडेडली आप अपने पूरे बेस पे रन करें डैप करें धीरे धीरे मुझे ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया लास्ट क्लिप शूट करके अभी तक और मेरा बेस थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हुआ है बहुत थोड़ा सा उतना ज़्यादा नहीं फर्क पड़ रहा है बट बेस बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है एकदम स्मूथ बेस आया है बहुत ही प्रिटी लग रहा है एंड मैंने फाइनली लेंसेज लगा लिए हैं एंड दे लुक वेरी वेरी प्रिटी ये एक्वे लेंस के लेंसेज हैं शेड है मिस्ट्री हेजल मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो अब हम बढ़ते हैं अपने आई मेकअप की तरफ तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्राउ करूँगी तो आज मैं अपनी आई, तो मैं अपनी आई के लिए यूज करने वाली हूँ पैक का ब्राउ पोमेड और ये ब्रश यूज़ करूँगी जिसमें एक साइड एंगल टिप है और एक साइड स्पूली है तो सबसे पहले मैं स्पूली से अपने हेयर अपोज ब्रश कर लूँगी और अब मैं अपने पोमेड में अपना ये एंगल ब्रश डिप करूँगी और मैं स्टार्ट करूँगी इसे नी अपनी आई को नीचे से लाइन करना पर से फिल करने में थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अगर एकदम आगे से ब्राउ फिलिंग स्टार्ट कर दें तो फिर बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लुक आता है और आगे मैं वर्टिकल स्ट्रोक्स दूंगी थोड़ा सा एक नेचुरल लुक के लिए और अब मैं दोबारा स्पूली से अपने हेयर्स अपवर्ड्स ब्रश करके इन्हें सेट कर दूँगी एंड माय आईब्राउ इज़ डन लुक्स बेटर नाउ अब मैं यही सेम स्टेप अपनी दूसरी आईब्राउ पे भी फॉलो करूंगी अब मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करूँगी तो सबसे पहले मैं यही एल्फ वाला कंसीलर अपने आईलेट्स पे लगाऊंगी क्योंकि उस टाइम पे बहुत थोड़ा सा लगाया था तो थोड़ा सा जो भी पिगमेंटेशन वग़ैरह है अभी कैंसिल आउट हो जाएगा और मैं इसे अपनी फिंगर की ही हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी मैं अपना आई मेकअप के लिए यूज़ करने वाली हूँ ये डिलानसी की मिस्टीरियस क्वीन आई पैलेट तो अब मैं एक ऑफ वाइट सा शेड लेके अपना कंसीलर सेट कर रही हूँ ताकि वो क्रीज ना हो वैसे तो वो कंसीलर मैट सेट हो जाता है बट जस्ट इन केस तो मैंने अपने आईलेट्स कंसील भी कर ली है और सेट भी कर ली है सबसे पहले मैं एक बिग फ्लफ़ी ब्रश लूँगी ब्लेंडिंग ब्रश और मैं एक बहुत ही लाइट सा शेड लूँगी ऑलमोस्ट बेश कलर है एकदम स्किन जैसा कलर है हल्के से ऑरेंजिश ब्राउन अंडरटोन्स है और इसको मैं एक ट्रांजिशन कलर की तरह यूज़ करूंगी अच्छे से ब्लेंड करूँगी क्योंकि अभी हम डे लुक कर रहे हैं तो आई शेडो मैं बहुत ज़्यादा मिनिमम रखना चाहूँगी इनफैक्ट पूरा मेकअप ही फॉर मैटर क्योंकि डे पे बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप मुझे नहीं पसंद आता है ट्राई टू कीप इट वेरी सटल एंड फिर नाइट टाइम का जब हम लुक करेंगे तो हम उसी को थोड़ा सा और इंटेंसिफाई कर देंगे तो ये मैंने अपना ट्रांजिशन कलर लगा लिया है सेम मैं अपनी दूसरी आई पे भी करूँगी अब मैं एक थोड़ा सा छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी ताकि मेरी क्रीज में अच्छे से फिट हो और मैं एक शेड लूँगी जो कि एक बर्नड ऑरेंज सा शेड है ब्राउन अंडरटोन्स के साथ इसको मैं अपनी क्रीज में लगाऊँगी और इसी शेड को मैं अपने आउटर कॉर्नर पे और अपने इनर कॉर्नर पे लगाऊँगी और उसको मैं अब इंटेंसिफाई करूँगी थोड़ा सा इस वाले ऑरेंज शेड में हल्के बहुत हल्के से शिमर पार्टिकल्स हैं जो कि सच विजिबल नहीं है बट हाँ इसमें हल्के हल्के से शिमर पार्टिकल्स भी हैं तो ये मैंने अपना ऑरेंज क्रीज पे लगा लिया है यही मैं अब अपनी दूसरी आई पे भी करूँगी अब मैं वही जो बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश था उसकी मदद से दोनों कलर्स को आपस में थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइंस ना रहे और ये हो गया है अब मैं एक हल्का सा शिमर शेड लूंगी इसके थोड़े से गोल्डन पिंकिश अंड टोन्स हैं अब मैं इसको अपने आईलेट्स के हल्का सा सेंटर पे लगा के एक क्लीन फिंगर से ब्लेंड करूंगी ताकि ये पूरा ब्लेंड आउट हो जाए और उतना ज़्यादा शिमरी भी ना लगे बट जब लाइट पड़े तो थोड़ा हल्का सा शिमर आए नाउ इट्स अप टू यू अगर आप चाहो तो आप इसे और इंटेंसिफाई कर सकते हो बट डे लुक के लिए आई फील इट इज़ प्रिटी प्रिटी गुड अब जो वो छोटा वाला ब्लेंडिंग ब्रश था उसमें मैं वही ऑरेंज शेड लेके अपनी लोअर लैश लाइन पे रन करूँगी ताकि पूरा लोअर लैश लाइन पे आई फील अगर लोअर लैश लाइन पे वही कलर्स ना लगाए जाएँ तो आई लुक बहुत इनकम्प्लीट सा लगता है बट इट इज़ अप टू यू अगर आप कोई एक नीट लोअर लैश लाइन पसंद है तो आप वैसे भी छोड़ सकते हैं आपको काजल लगाना तो आप काजल भी लगा सकते हैं बट मैं आज के लुक में काजल नहीं लगाने वाली हूँ तो मैंने अपनी लोअर लैश लाइन में वो ही बॉन्ट ऑरेंज शेड रन करा है एंड या द आई शेडो पार्ट इज कंप्लीट फॉर नाउ तो अब मैं आई लाइनर लूँगी और इस आई लाइनर से मैं अपनी लैश लाइन को लाइन करूँगी बट मैं विंग नहीं लगाऊँगी सिर्फ लाइनर लगाऊँगी अच्छा लाइनर के लिए मैं ये एल्फ का लाइनर यूज कर रही हूँ ये वाला थोड़ा सा शायद मोटा हो गया है बट मैं बैलेंस आउट करने की कोशिश नहीं करूँगी वरना उसके चक्कर में पूरे पांडाइज हो जाएंगे तो यह लाइनर हो गया है अब मैं अपनी लाशेज कर्ल करूंगी यूजिंग अ लाश कर्लर आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप लोग मस्कारा यूज़ करने से पहले एक लैश कलर यूज़ करें इससे आपके लैशज़ को एक अच्छा खासा लिफ्ट मिल जाता है और उसके बाद आप अपना मस्कारा लगाएं जो भी आपको मस्कारा पसंद है आज मैं लगाऊंगी ये लॉडियाल का वो ल्यूमिनस लैश पैराडाइस वाटर प्रूफ मस्कारा बहुत ही अच्छा मस्कारा है बहुत अच्छा आपको लिफ्ट भी देगा प्लस बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है इस मस्कारा का आपके लैशेज को काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देता है मुझे काफ़ी पसंद है प्लस ये वाटर है तो अगर आप अपने वैलेंटाइंस डे पर थोड़े से इमोशनल भी हो जाते हैं तो दिस हैज़ यू कवर्ड तो कोई टेंशन की बात नहीं है आप जी भर के इमोशंस अपने निकाल सकते हैं बाहर तो या आई विल जस्ट अप्लाई द मस्कारा सिर्फ एक ही कोट लगाऊंगी क्योंकि एक कोट में ये काफ़ी अच्छा एक इफ़ेक्ट दे देता है मेरे लैशेस को मुझे सेकेंड कोट के एसिड्स नीड नहीं लगती है क्योंकि ओके okay, बिकॉज मैं अपनी आईज बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहती हूँ थोड़ा सा मैं अपनी लो लैश लाइन पे भी यही मस्कारा अप्लाई करूंगी एंड द लैशेज एंड द आई मेकअप लुक्स वेरी वेरी प्रिटी नथिंग वेरी वेरी लाउड बट स्टिल वेरी प्रिटी अब कमिंग टू द लिप्स मैं अपने लिप्स पे एक न्यूड कॉम्बिनेशन दूंगी मैं बहुत ही न्यूड अपना डे लुक रखना चाहती हूँ तो लिप्स के लिए मैं ये कॉमो यूज़ करूंगी तो मैं नायका की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ लेट इट्स स्नूज इसका शेड है बहुत ही प्रिटी ब्राउनिश न्यूड है एंड आई फील ये लिपस्टिक अपने आप में ही मेरे आई लुक को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है तो अगर आप चाहें तो सिर्फ इससे भी आपका काम चल जाएगा आप इसको ब्लॉट कर लें या इस पर मैट टॉपर लगा लें कोई भी तो ये बहुत अच्छा आपका लुक कंप्लीट कर देगी बट क्योंकि मैं मेरे को थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग और एक मैट इफेक्ट चाहिए और थोड़ा सा चाहती हूँ ये लिपस्टिक टोन डाउन हो जाए तो मैं इसको टॉप करूँगी मेरी मेबली न्यूयॉर्क की सुपर स्टे मैट मैटिंग लिपस्टिक इन द शेड डॉक्टर ये बहुत ही प्रिटी न्यूट शेड है थोड़ा सा लाइट है कंपेयर uh, टू तो ये वाली लिपस्टिक थोड़ा सा लिपस्टिक का कलर टोन डाउन हो गया है अब ये ड्राई होके मैट हो जाएगा तो अब मेरा डे लुक कंप्लीट हो गया है बहुत ही प्रिटी मेरा लुक टर्न आउट हुआ है थोड़े से ब्यूटी शॉट्स ले लिए जाए फिर मैं आपको बताती हूँ आप इसी लुक को थोड़े से प्रोडक्ट्स के साथ कैसे नाइट लुक में कन्वर्ट कर सकते हैं बाल खुल चुके हैं दिन की पार्टी खत्म हो गई है अब हम जा रहे हैं डिनर डेट के लिए आई विश ऑल दिस विज ट्रू बट कोई बात नहीं इमेजिन कर सकते हैं राइट तो चलते हैं अब अपने नाइट लुक की तरफ कुछ नहीं करना है आप अपने पर्स में ही थोड़े बहुत आइटम्स कैरी करें और उसी से आप हल्का सा क्विक टचअप करें वॉशरूम जाके एंड यू विल बी रेडी विद योर नाइट ग्लैम टू रॉक योर डिनर डेट सबसे पहले आपको लगेगा आई शैडो अब ये टोटली totally डिपेंडेबल है अब चाहे तो आप ना ही आई शेडो को कुछ टच करें आ, मैं आपको अल्टरनेटिव भी बताऊंगी ये पैलेट बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली ये आपके पर्स में नहीं आएगा बट आप वो छोटे साइज के पैलेट्स ले सकते हैं तो आप एक डार्क ब्राउन शेड लेंगे और उस डार्क ब्राउन शेड को आपने कुछ नहीं करना है अपना हल्का सा अपने इनर कॉर्नर सॉरी आउटर कॉर्नर्स पे प्लेस करेंगे और उसको अपने क्रीज के साथ ब्लेंड कर लेंगे सिर्फ थोड़ा सा अपना आई शेडो डिपेंड करने के लिए बट ये बिल्कुल ही एक ऑप्शनल स्टेप है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं सेम मैं अपनी दूसरी आई पे करूँगी अब मैं वही सेम ब्राउन कलर से नीचे अपनी लास्ट लाइन पे भी लगाऊंगी थोड़ा सा नीचे लास्ट लाइन को भी डार्क डिफाइन करेंगे एकदम से आई लुक थोड़ा सा चेंज हो गया अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी अगर आपने ये ब्राउन नहीं भी लगाना है लगाना नहीं लगाना आपके ऊपर है बट ये आपके पास होना चाहिए दिस विल चेंज योर आई मेकअप गेम इन जिस सेकेंड ये लिक्विड आई शेडो है ग्लिटर शिमर आई शेडो ये स्विस ब्यूटी का है शेड है ज़ीरो फोर स्मोकी स्टॉम अब इसको आपने लगाना है अपने इनर कॉर्नर से लेके कर अपने आधी लिड पे अब हम अपने जो आई है उसको थोड़ा सा डार्क करेंगे और आई में एक विंग बनाएंगे सी द डिफरेंस फ्रॉम डे टू नाइट सिर्फ दो चीजों से एक लिक्विड आई एक विंग्ड आई लाइनर दैट्स इट इतनी इजिली आप अपना डे लुक नाइट लुक में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इट लुक्स स्टनिंग अब मैं यही सेम अपनी दूसरी आई में भी करूँगी तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये शुगर की लिपस्टिक इन दी शेड ज़ीरो फाइव रास्ट लास्क दिस इज़ अ वेरी 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 प्रिटी रेड शेड बिकॉज नाइट लुक है और वैलेंटाइन है तो रेड लिप्स तो बनता है प्लस जो मेरे लेंजेज हैं मिस्ट्री हेजेज तो दे हैव अंट ऑफ ग्रीन इन दैम और रेड और ग्रीन क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं तो ये जो लिपस्टिक है ये मेरे आई कलर को एकदम अच्छे से पॉप आउट करेगी तो मैं ये लिपस्टिक लगा लेती हूँ लिपस्टिक लग चुकी है एंड आप देख सकते हैं ये मेरा आई कलर कितने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही है अब नाइट टाइम है तो हाइलाइटर तो बनता है बॉस तो हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मास्टर क्रोम मेबिलीन का ये है मॉल्टन गोल्ड शेड में एंड इट इज अ स्टनिंग हाइलाइटर आप इसको वहाँ पे लगाएं जहाँ पे नेचुरली लाइट हिट करती है आपके फेस पे आप इसको बिल्डअप भी कर सकते हो मैं बहुत बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करूंगी बट uh, स्टिल अच्छा डिसेंट अमाउंट हाइलाइटर लगाऊंगी थोड़ा सा टेम्पल पे अब एक छोटा ब्रश लेके ब्रिज ऑफ द नोज एंड टिप ऑफ द नोज तो ये था वैलेंटाइंस डे टू नाइट लुक ट्रांसफॉर्मेशन सो आपने देखा कि कैसे सिर्फ तीन बेसिक प्रोडक्ट्स की मदद से हमने अपना सिंपल सा बेसिक डे मेकअप चेंज करा है फुल ऑन ग्लैम नाइट लुक में आई जस्ट लव हाउ द इंटायर लुक केम आउट एंड ये लेंस की वजह से लुक में एकदम बोलते हैं ना चार चांद लग गए तो बहुत ही सुंदर लुक लग रहा है और आई होप आप लोगों को भी ये लुक पसंद आया हो ऐसा नहीं कि मैं ही खुद की तारीफ़ किए जा रही हूँ आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये लुक कैसा लगा आपको डे लुक ज़्यादा अच्छा लगा या नाइट लुक ज़्यादा अच्छा लगा और आपके वैलेंटाइन के क्या प्लान हैं आप मुझे कमेंट करके बताएं मैं तो खा पी के सोने वाली हूँ <laughs> मुझे कॉमेंट्स में ये भी बताएँ कि आपको वीडियोज़ हिंदी में ज़्यादा बेहतर लगती हैं या फिर इंग्लिश में ताकि मैं उसी अकॉर्डिंग अपनी वीडियोस बनाऊँ मैं कोशिश कर रही हूँ आजकल कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करूँ ताकि एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस को मेरी वीडियोस पहुँच पाए तो आप लोग मुझे कमेंट्स पे बताएं कि आपके क्या व्यूज़ हैं मेरी वीडियो को लेके ताकि आई इम्प्रूव विद टाइम सो या विद दिस आई वुड एंड टू डेज़ वीडियो आई होप यू लाइक टू डेज़ वीडियो एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ कंसिडर हिटिंग द लाइक बटन एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए एकदम फ्री है कोई पैसा नहीं लगेगा मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें मैं कोशिश करूंगी टाइम टू टाइम बहुत अच्छे से अच्छी वीडियोस अपलोड करने का बट प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी आप वो रेड सब्सक्राइब बटन अभी ही प्रेस करो और उसके साइड में बेल बटन भी प्रेस करो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे uh, तो वीडियो को लाइक करो वीडियो पर कॉमेंट करो और इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ना आई एल सी यू सुपर सोन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दिन स्टे सेफ स्टे हेल्थी बाय बाय